चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इसके प्रश्न संख्या 1 एवं 2 को हल किया था। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चा। यहाँ पे हमें पहले आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है, उसके साइड साइड की कुल लंबाई। तो हम यह ज्ञात कर लेंगे कि उसके साइड की कुल लंबाई कितनी है, उसकी गुना हम 30 से कर देंगे। तो बताइए, आयताकार बगीचे का परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम आयत के परिमाप के सूत्र से ज्ञात करेंगे। लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई दे रखा है 300 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 200 मीटर। तो यहाँ पे हम रखेंगे मान, 2 का 2 रखेंगे, लंबाई के जगह में 300 लिखेंगे, जोड़ का जोड़ देंगे और चौड़ाई के जगह 200 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 का 2 हुआ, 300 और 200 500 हो गए। 500 की गुना 200 करेंगे तो होगा 1000। 1000 मीटर उस बगीचे की पूरा यहाँ पे परिमाप आ गया, यानी उस बगीचे में जो पूरा साइड साइड है जहाँ पे बाड़ लगाना है, उसकी लंबाई आ गई है 1000 मीटर। अब हमें क्या कहता है कि 30 रुपये प्रति मीटर की दर, यानी 1 मीटर लगाओगे तो आपको 30 रुपये पड़ेगा। तो हमें 1000 मीटर लगाना है तो हम 1000 की गुना 30 से कर देंगे। लिखेंगे बाड़ लगाने में कुल खर्च बराबर 30 गुने 1000। 30 की गुना 1000 से कर देंगे तो यहाँ पे 30 के पीछे 3 0 लग जाएगा, यानी 30,000। तो 30,000 रुपये बाड़ लगाने में कुल खर्च होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यह आयताकार बगीचा है, हमें कह रहा है कि इसके चारों ओर यहाँ पे बाड़ लगाना है। ठीक है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि यह जो साइड साइड है उसकी कुल लंबाई कितना है, उतना ही लंबा हम तार लेंगे। तो हमने इस बगीचे के परिमाप को ज्ञात करना है, इस चारों तरफ की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हमने ज्ञात किया तो आया 1000 मीटर। और हमें दे रखा है कि 30 रुपये प्रति मीटर दर है, तो हम 30 की गुना 1000 से कर देंगे, 30,000 रुपये यहाँ पे कुल खर्च हो गया। समझ में आया? ठीक, प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता है, दौड़ती है और कितना अधिक, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि वर्गाकार मैदान के चारों ओर कमल दौड़ रहा है और शबनम आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के परिमाप को निकाल लेंगे और उसकी गुना 3 3 से करेंगे। इसमें से जिसका अधिक होगा वो अधिक दौड़ेगा। सबसे पहले हम वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालेंगे। लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप। वर्ग के परिमाप निकालने का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 गुने भुजा। भुजा दे रखा है 80 मीटर है। ठीक है, तो 4 की गुना 80 से होगी, 8 चौक 32 और 1 0 यानी 320। 320 मीटर वर्गाकार मैदान का यहाँ पे परिमाप आया। हमें क्या कह रहा है कि दोनों 3 3 चक्कर लगाते हैं। तो लिखेंगे कमल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 320 की गुना 3 से होगी, तो यहाँ होगा 960। 960 मीटर यहाँ पे कुल कमल दौड़ रहा है, 960 मीटर दौड़ रहा है। अब यहाँ पे शबनम जो है वो आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ रही है, जिसका लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। तो हम उसका भी परिमाप ज्ञात करेंगे। लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, लंबाई दे रखा है 70 मीटर
और चौड़ाई दे रखा है 50 मीटर, तो 70 जोड़ 50 हो जाएगा। यहाँ 2 का 2 लिखिए, 70 और 50, 7 5 12 यानी 120, 120 हो गया। 120 की गुना 200 करेंगे तो 240, 240 मीटर यहाँ पर आयताकार मैदान का परिमाप आ गया है। ठीक है, अब देखिए वर्गाकार मैदान का परिमाप आया 320 मीटर, और उसके हमने ज्ञात किया कि कमल 320 मीटर यदि एक बार दौड़ेगा तो लगेगा, 3 बार दौड़ेगा तो 960। उसी प्रकार हम यहाँ पे शबनम का ज्ञात करते हैं कि यदि वह एक बार दौड़ेगी तो 240 लगेगा, वो भी 3 बार दौड़ रही है तो 240 की गुना 3 से होगी। लिखेंगे शबनम द्वारा तय की गई दूरी बराबर 240 गुने 3, गुना करने पर होगा यहाँ पे 720। शबनम 720 मीटर दौड़ रही है और कमल 960 मीटर दौड़ रहा है, तो कौन अधिक दौड़ रहा है? यहाँ पे कमल अधिक दौड़ रहा है। लिखेंगे कमल अधिक दौड़ता है, कितना अधिक दौड़ता है ये भी पूछ रहा है, तो लिखेंगे दौड़ी गई अधिक दूरी 960 में हम 720 को घटा देंगे, घटाने पर यहाँ पे होगा 240, यानी 240 मीटर शबनम, 240 मीटर कमल अधिक दौड़ रहा है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। प्रश्न संख्या 5वां को करते हैं, तो 5वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप एक आयताकार मैदान के बराबर है, तो फिर मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, यानी कितना अधिक है, तो फिर किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, और इस मैदान के लंबाई चौड़ाई के बराबर वर्गाकार मैदान का भी परिमाप है, तो वर्गाकार मैदान का हमें तो नहीं दे रखा है भुजा कितना है, हम इससे निकाल लेंगे। जब दोनों का परिमाप बराबर दे रखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर आयताकार मैदान का परिमाप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि यहाँ पे बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुने भुजा, और आयताकार मैदान के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों के सूत्र को हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें आयताकार मैदान में इसका भुजा नहीं दे रखा है, तो इसमें 4 गुने भुजा का 4 गुने भुजा लिख देंगे, और वर्गाकार में नहीं दे रखा है, आयताकार में यहाँ पे दे रखा है कि लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 2 का 2, लंबाई की जगह 10 लिखेंगे, जोड़ का जोड़ और चौड़ाई की जगह 8 लिख देंगे। अब यहाँ 4 गुने भुजा का 4 गुने भुजा लिखेंगे, 2 का 2, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, 4 गुने भुजा का 4 गुने भुजा लिखेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब भुजा का भुजा लिखे बच्चा, और यहाँ 4 जो है भुजा के साथ गुना में है, इधर आएगा तो होगा बट्टे में, यानी 36/4, 4 का पहाड़म 36 कट जाएगा, 4×9=36, यानी जो वर्गाकार मैदान है उसकी भुजा आ गई 9 मीटर। ठीक है, अब इससे हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे सबसे पहले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई दे रखा है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 8 मीटर, तो 10 गुने 8 होगा, 10 की 8 से गुना करेंगे तो 80, 80 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आया। अब हमें वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा गुने भुजा लिखेंगे, भुजा हमने ज्ञात किया 9 है तो 9 की गुना 9 से होगी, 9×9=81, 81 मीटर स्क्वायर यहाँ पे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आया। हमसे पूछ रहा है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, तो देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आया है 80 मीटर स्क्वायर और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आया है 81 मीटर स्क्वायर, तो बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है, तो 81 में से 80 घटाइएगा 1 आएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ लिख देंगे हम कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 6ठा प्रश्न को करते हैं, 6ठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एक टाइल जिसकी माप
10 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर है और 3 मीटर गुने 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे। यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपये है तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम टाइल की संख्या निकाल लेंगे। टाइल की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टाइल की संख्या निकालने के लिए हम दीवार के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल बट्टा टाइल का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है 3 मीटर गुने 4 मीटर, तो 3 मीटर गुने 4 मीटर लिखेंगे। और यहाँ पे एक टाइल का क्षेत्रफल दे रखा है 10 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, तो बट्टा में 10 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है बच्चा कि दीवार का क्षेत्रफल यहाँ पे मीटर में दे रखा है और टाइल का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा है। आप लोग यहाँ से सीधा मत काट दीजिएगा क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ नहीं कटेगा। सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ पे मीटर दे रखा है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम 3 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 की गुना 100 से कर देंगे। 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 4 की गुना 100 से कर देंगे। लिखेंगे यहाँ 3 गुने 100 गुना 4 गुने 100, हमने दोनों की गुना 100 100 से कर दी तो ये दोनों भी सेंटीमीटर में बदल गए। हम नीचे में 10 गुने 12 लिख देंगे। अब आप काट सकते हो, 10 के एक जीरो से 100 का एक जीरो कट गया। अब 4 का पहाड़ा में 12, 4 3 12, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे आया 10 गुने 100, 10 की गुना 100 से करेंगे तो होगा 1000। 1000 जो है वो यहाँ पे टाइल की संख्या आ गई है। हमें दे रखा है कि एक टाइल की कीमत 2 रुपये है, तो हमें 1000 टाइल की कीमत याद करना है। 1000 की गुना 2 से कर दीजिए। लिखेंगे कुल खर्च बराबर 1000 गुने 2, 2 रुपये से कर देंगे, आएगा 2000। 2000 रुपये पूरे 1000 टाइल की कीमत होगी। इसमें जो 2 प्रश्न है बच्चा, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसे हम लोग अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।